धन्ना भगत अन्न अक्षेत्र जो बडनपुर गांव में है, तो उसकी तरफ से प्रसाद लिया गया है, हलवा का प्रसाद है। तो ये जो धरना चल रहा है उपमंडल प्रशासनिक परिसर उचियाना में, यहाँ पर पहुँचे हैं तो किसान पहुँचे हैं प्रसाद लेकर, बातचीत भी करेंगे कि किस तरह क्या है। ताई क्या नाम है? तो आज धरना पहुंचे हो? धरना पे पहुंचे भाई, किसान के बीच में कोई प्रोग्राम था या फिर स्पेशल आए? हम तो अपने किसान के बीच में प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम नहीं था। कोई जयंती नहीं, कोई नहीं, स्पेशल प्रसाद मांडना आई। अच्छा, चलता ही रहा, चलता ही रहा प्रसाद तो। तना बेरा भी भक्ति की चीज का तो बिल्कुल बिल्कुल चलता ही रहा है, चलता ही अच्छा भाई। ना राम राम। और लीलू बटन पर जो है क्या कहोगे जी, जिस तरह आज प्रसाद लेके पहुंचे हो रहे भाई? तो किसान देवता है, इनके लिए तो सेवा करनी ही चाहिए सबने। बिल्कुल है। और बहुत दिन हो गए किसान बैठे हो रहे, धरना बैठे हैं तो यहाँ भी बैठे हैं 6 महीने से ऊपर, 2 जने हो गए। हाँ, और नरवाना 13 महीने से ऊपर हो गए बैठे। बिल्कुल है। तो क्या कहोगे, जो इस तरह गर्मी देखो कितनी तेज है, और सरकार ने माननी चाहिए बात, क्योंकि कुछ दिक्कत भी है किसान, धरने पर भी बहुत सी मर्जी है। सरकार ने दरअसल इस देश की चिंता ही कौन है? देश की जनता सारी परेशान है, किसान हो चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, सरकार तो देश बेचने पर लगी हुई है। महिलाओं को देख ले, महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार, महिलाओं की क्या हालत है सरकार में? बिल्कुल, अगर कुछ लेना भी हो भी लड़ झगड़ के वो भी बराबर हो, फालतू तो कहीं मिला था नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी देने वाली सरकार नहीं है, बड़ी मुश्किल मिला है। चाहे कोई अगर MSP की बात करे तो MSP दे रखी है उसकी, लेकिन रेट नहीं मिलन पाता। MSP तो दे रखी है, सूरजमुखी की भी दे रखी थी, लेकिन खरीदी तो कौन है MSP पे? बहुत सालों से ये लड़ाई भी चल रही है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही। बिल्कुल उदासीन है सरकार किसान के प्रति। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जो बटन पर के लोग हैं, चाची ताई और हैं, ये जो प्रसाद है वो लेके पहुंची है, तो उचियाना तहसील में जो धरना चल रहा है उस धरने पर पहुंचे हैं।